चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ते हुए पंचकुला से खबर, जहां बीजेपी विधायक दल की आज मीटिंग होनी है। आपको बता दें सुबह 10 बजे ये मीटिंग होगी, जिसमें तमाम दिग्गज मौजूद रहेंगे, सभी विधायकों की मौजूदगी होगी और इसमें विधायक दल का नेता चुना जाना है। नायब सिंह सैनी का लगभग चुना जाना तय माना जा रहा है विधायक दल का नेता, और जो पर्यवेक्षक हैं अमित शाह, इसके साथ ही डॉक्टर मोहन यादव, इनकी मौजूदगी रहेगी। गृहमंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की मौजूदगी रहेगी। 16-17 अक्टूबर को चंडीगढ़ में रहने के लिए सभी विधायकों को निर्देश दिया गया है। 17 अक्टूबर को शपथ ग्रहण समारोह होना है, उससे पहले आज विधायक दल की मीटिंग होगी, जिसमें नायब सिंह सैनी का विधायक दल का नेता चुना जाना तय है। तो मुख्यमंत्री के तौर पर दूसरी बार शपथ ग्रहण करेंगे नायब सिंह सैनी, और हरियाणा में बीजेपी की तीसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार स्थापित होगी कल। तो ये बैठक आज होनी है। आपको बता दें 16 और 17 अक्टूबर तक विधायकों की मौजूदगी के लिए निर्देश दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि पंचकुला में ये बीजेपी की बैठक होने वाली, बीजेपी विधायक दल की, जहां पर सुबह 10 बजे मीटिंग होगी और विधायक दल का नेता चुना जाना है। नायब सिंह सैनी का विधायक दल का नेता चुना जाना लगभग तय माना जा रहा है। तो सुबह 10 बजे विधायक दल की मीटिंग होनी है। आपको बता दें कि पंचकुला में विधायक दल की मीटिंग होगी, जहां पर सभी विधायकों की मौजूदगी रहेगी और विधायक दल का नेता चुना जाना है। नायब सिंह सैनी का लगभग तय है विधायक दल का नेता चुना जाना, और इस बैठक में ऑब्जर्वर की मौजूदगी रहेगी। आपको बता दें 2 पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर्यवेक्षक हैं, जिनकी मौजूदगी में विधायक दल की मीटिंग होगी। पंचकुला में बीजेपी विधायक दल की बैठक सुबह 10 बजे होनी है, और बैठक को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। सभी विधायक जो हैं वो अब उनकी मौजूदगी जो है आज 16 और 17 अक्टूबर को रहने वाली है चंडीगढ़ में। चूंकि आपको बता दें कि आज विधायक दल का नेता चुना जाएगा, कल शपथ ग्रहण समारोह है 17 अक्टूबर को, और इस शपथ ग्रहण समारोह में तमाम दिग्गजों की मौजूदगी रहेगी। पीएम मोदी समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी, तमाम केंद्रीय मंत्रियों की मौजूदगी इस समारोह में देखने को मिलेगी, और इस समारोह को भव्य बनाने के लिए तैयारियां जोरों पर चल रही हैं पंचकुला के सेक्टर 5 दशहरा ग्राउंड में। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करेंगे संवाददाता तारा ठाकुर, इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। तारा, अभी क्या कुछ बैठक को लेकर तैयारियां देखी जा रही, चूंकि 10 बजे ये बैठक होनी है, क्या विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है या अभी शुरू होगा, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? जारी है, क्योंकि
हरियाणा के विधायक दल की जो बैठक है वो पंचकुला के एमडीसी में जो पंचकमल कार्यालय है वहां पर होने जा रही है। करीब 10 बजे का समय रखा गया है और देश के गृह मंत्री जो है अमित शाह और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव उसमें ऑब्जर्वर के तौर पर पहुंच रहे हैं और सभी जो विधायक हैं बीजेपी के उनको इस बैठक में निमंत्रण दिया गया है। तो विधायक दल की बैठक में ये निर्णय लिया जाएगा कि मुख्यमंत्री अगला कौन होगा और इसको लेकर सभी विधायकों से चर्चा की जाएगी और इसी को लेकर यहाँ पर जो है एमडीसी में जो बीजेपी कार्यालय है वहां पर बैठक रखी गई है। करीब 10 बजे ये बैठक शुरू होगी और सभी जो नेता हैं भाजपा के जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली और अन्य जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे और विधायक दल की बैठक में जो है निर्णय लिया जाएगा कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और कौन कौन से जो है कैबिनेट मंत्री जो है चुने जाएंगे। तो कल जो है सारा कुछ को जो शपथ ग्रहण समारोह होना है उससे ठीक एक दिन पहले जो है ये विधायक दल की बैठक की जा रही है और उसके बाद सरकार बनाने का जो दावा है वो ठोका जाएगा। तो अभी फिलहाल तैयारियां यहाँ पर की गई हैं और करीब 10 बजे का समय दिया गया है। कुछ देर बाद ही जो सभी विधायक हैं भाजपा के वो यहाँ पहुंचना शुरू हो जाएंगे और करीब 10 बजे जो है अमित शाह। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद तारा, और अपनी नजर बनाकर रखिएगा, तमाम जो अपडेट है वो आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए इन्हीं खबरों के